Vivo T1 5G के बाद अब Vivo ने अपनी T1 सीरीज में लॉन्च किया है Vivo T1 Pro 5G, जो कि आपको Snapdragon 778 6.44 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले और 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलता है। इसे दो मॉडल्स में लॉन्च किया गया है, 6+128GB, जिसका प्राइस आपको लगभग 23,000 के आसपास देखने को मिलता है, और दूसरा मॉडल है 8+128GB, जिसका प्राइस लगभग आपको 25,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू और देखेंगे किस टाइप का फ़ोन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप भी हैं इंटरेस्टेड Vivo T1 Pro 5G के बारे में जानने के लिए, देन डू वॉच द वीडियो टिल देन। हाय गाइस, दिस इज रचना, वेलकम टू माय चैनल टेक्शार। तो बॉक्स कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, और जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें मिलता है एक और स्मॉल बॉक्स, जिसमें आपको देखने को मिलता है कवर और यूज़र मैनुअल। नीचे आपको मिलता है स्मार्टफोन, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है 66 वॉट का फास्ट चार्जर, एंड देन आपको USB केबल देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको देखने को मिलती है सिम इजेक्टर पिन। बाकी पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर राइट पे आपको वॉल्यूम रॉकर बटन देखने को मिलता है और पावर बटन देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिलती है। नीचे की तरफ आपको सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि हाइब्रिड टाइप है, यानी कि या तो आप दो 5G के सिम या फिर एक 5G का सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। उसके बाद आपको मिलता है प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट एंड द स्पीकर ग्रिल। बाकी फ़ोन की अगर लुक्स की बात करें तो फ़ोन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। मेरे पास ब्लैक कलर है, वैसे इसमें एक ब्लू कलर भी आता है। कई बार इसमें ऐसा लगता है जैसे नेवी ब्लू कलर वाली रिफ्लेक्शन लगती है, बट इट्स ब्लैक कलर और मैट फिनिश है पीछे की तरफ, तो फिंगरप्रिंट्स शायद उतने तो नहीं आएंगे जितने कि शाइनी फोन्स में आते हैं। और यहाँ पर एक टेक्सचर टाइप भी आपको देखने को मिलता है, जो कि फील नहीं होता बट दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे इसमें स्पॉट्स से हैं। लेफ्ट साइड पर आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और यहाँ पर आपको ऐसा लगता है डुअल कैमरा सेटअप है, बट एक्चुअली यहाँ पर तीन कैमराज की हाउसिंग दी गई है। फ्रंट पे आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है उसमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, और ये थोड़ी सी कमी लगी क्योंकि वाटर ड्रॉप नॉच थोड़ा सा ओल्ड फैशन लग रहा है यहाँ पर। बाकी अगर फ़ोन के वेट की बात करें तो फ़ोन का वेट यहाँ पर करीब 180 ग्राम्स है, और इसकी थिकनेस 8.5 mm है, यानी कि फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा है फ़ोन का। लाइट वेट है फ़ोन और फीमेल्स के लिए भी सूटेबल है। बैक पर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है, ऑल्दो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पॉलीकार्बोनेट है ये, तो दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि ग्लास है, बट एक्चुअली यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट है और प्लास्टिक के ही फ्रेम्स देखने को मिलते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको डिसेंट देखने को मिलती है, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ आपको 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। व्यूइंग एंगल्स भी ठीक लगे मुझे फ़ोन के। बाकी डिटेल रिव्यू में देखेंगे कि आपको सनलाइट विजिबिलिटी वगैरह कैसी देखने को मिलती है। डिस्प्ले यहाँ आपको 90 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पे। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G, जो कि एक 6nm का प्रोसेसर है और ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफ़ी सारे फ़ोन्स में हमने देखा है। बाकी इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्निक का भी यूज़ किया गया है, तो फ़ोन मेरे हिसाब से यहाँ पर हीटिंग इश्यूज इसमें देखने को नहीं मिलने चाहिए। बाकी जितना मैंने इसको देखा है डे टू डे यूज़ के लिए जो है फ़ोन काफ़ी अच्छा है। प्रोसेसर इसके अंदर जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G डाला गया है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, और बाकी इसमें गेमिंग का भी एक्सपीरियंस आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड है। काफ़ी सारे फ़ोन्स में हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, बाकी इसे ट्राई एंड टेस्ट करेंगे इस फ़ोन में भी, और वो लेकर आएंगे डिटेल रिव्यू में। कैमरास की बात करें तो यहाँ बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, ऑल्दो लगता है जैसे कि डुअल कैमरा सेटअप है, बट यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का विद f1.8 अपर्चर, एंड देन इज 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस विद f2.2 अपर्चर, एंड देन इज 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस विद f2.4 अपर्चर। फ्रंट पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच में सेल्फी कैमरा प्लेस मिलता है, जो कि 16 मेगापिक्सल का है। बाकी कुछ थोड़े से ही सैंपल्स मैंने इसके कैमरा से क्लिक किए हैं, बैक कैमरा से भी और सेल्फी कैमरा से भी, तो सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बैक कैमरा भी डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी डिटेल रिव्यू जो इसका कैमरा का होगा उसमें देखेंगे किस टाइप की आपको वीडियो क्वालिटी यहाँ देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से कैमरा जो है फर्स्ट इंप्रेशन में यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है।
बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ आपको मिलता है एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स विद फनटच ओएस 12 ऑन द टॉप। और एंड्रॉइड 12 पे आ रहा फोन, यही काफ़ी अच्छी बात है। और उसके ऊपर फनटच ओएस 12 अब काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। जितना मैंने इसे यूज़ किया काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस लगा। एक दो ऐप्स हैं इसके अंदर, जोश ऐप है, टकाटक है, इन्हें आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस आपको सॉफ्टवेयर का देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते बैटरी की, थी आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि इसके स्लिम ट्रिम डिज़ाइन को देखते हुए जस्टिफाइड है। और यहाँ पर 66 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 50% चार्ज कर देती है 18 मिनट्स में ही। बाकी जब हम इसको खुद टेस्ट करेंगे और तो देखेंगे कि कितने ये क्लेम्स सही हैं और कितने नहीं। लेकिन जैसे मैंने इसको यूज़ किया तो बैटरी बैकअप नियरली आपको 1 day का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर आप मॉडरेट यूजेज करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ आपको ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर आपको 7 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। कॉल क्वालिटी किस टाइप की आपको देखने को मिलेगी ये मैं डिटेल रिव्यू में बताऊंगी। बाकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये 6+128GB वाला मॉडल इसका करीब 23,000 के आसपास, 22,000 से 23,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और 8+128GB वाला मॉडल आपको करीब 25,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें आपको एक्सटेंडेबल रैम का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसकी जो 8GB की रैम है, मेरे पास ये 8GB+128GB वाला मॉडल है, इसकी 8GB की रैम को आप 4GB एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर एक्सटेंडेबल रैम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, अब बात करते हैं कि मुझे इस फ़ोन में क्या अच्छा लगा। तो मुझे इस फ़ोन का डिज़ाइन, इसका डिस्प्ले, इसका कैमरा और इसकी परफॉर्मेंस चारों ही बहुत अच्छे लगे। जो दो कमियां मुझे देखने को मिली वो ये कि इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, और फ्रंट पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके लिए इतनी मैटर नहीं करती है तो ये एक ऑलराउंडर फ़ोन है। तो ये थी अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू वीवो T1 Pro 5G का। बाकी आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी और आप मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।